अरे टेबल पर पानी रखो। हाँ, और कैसे हो? बहुत दिनों के बाद आए। ऑर्डर दे दिया है ना? अच्छा अच्छा, मुर्गा। दिल सर। ए, चल भट। बिल बिल बिल। मालूम है ना भाई, मुंबई का भाई। अन्ना जी, तमिलनाडु। छोड़ दो यार, छोड़ दो, चलो। अन्ना जी, क्या है, काम के वक्त क्यों परेशान करते हो? बच्चों, 10 लाख का है, 10 लाख का। अन्ना जी, मारवाड़ी के यहां से चुराते वक्त पुलिस ने हमें देख लिया था। हम लोग बाल बाल बचे। ए, तुम लोग एक काम करो, तुम दोनों 2 दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। जब तक मैं ना बोलूं, बाहर मत निकलना। अरे उस काउंटर पर से गोली की बोतल लेकर आओ। काली गोटी। ए रामू, इधर आ। बोलिए अन्ना जी। तुम मैड्रास जाने के लिए बोल रहे थे ना, आज रात को ही निकल जाओ। ये लो खर्चे के लिए। और सुनो, मद्रास पहुंच के वर्मा भाई से मिलना। ये गोली का डब्बा उनके हाथ में दे देना, क्योंकि ये गोलियां उन्होंने अपने बेटे के लिए मुंबई से मंगवाई हैं। संभाल कर जाना। आप देवता है अन्ना जी। अरे रे रे रे, ये क्या कर रहे हो? उठो, ये देखो, इस गोली की बोतल को अपने हाथ में ही रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे छोड़ना मत। संभाल कर पहुंचा देना, ठीक है? मानिकपुर चलोगे? जरूर चलेंगे। रामू, लक्ष्मी के राइट साइड में स्क्रैच लग गया है। ये तो रोज का प्रॉब्लम है, बफिंग पॉलिश कर दे, ठीक हो जाएगा। ठीक है भैया। ए, ये शर्ट अंदर रख दे। सविता का पिक्चर देखा क्या? अरे आओ चंदर। क्या रे, मरे हुए मेंढक की तरह टर्र टर्र कर रहा है? अरे चंदर, ये भी कोई टर्टर है? उस दिन फिल्म की शूटिंग में हीरोइन ने जो छेड़ा टर्र टर्र, कान सुन और नाक बंद हो गई। क्या बोल रहा है, अपने सिनेमा वाले भी ऐसा करते हैं? देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। ए चंदर, मान सम्मान, 4 लोगों के बीच में बैठकर हवा छोड़ना कट्टा। सन ऑफ द गन। अच्छा, हमारे आदमी को ऑटो चलाते समय तूने ठोका था ना? वो ऑटो चला नहीं रहा था, वो ऑटो नचा रहा था। भाई देखो, तुम्हारे सामने ये हमारी बेइज्जती कर रहा है। ये बताओ, मेरे एरिया में आकर क्यों झगड़ा कर रहे हो? चंदन ने मेरे आदमी के रिक्शे को ठोक दिया, 2000 रुपए देने के लिए कहो। उस ऑटो की कीमत ही 1500 से ज्यादा नहीं। अरे मेरे ऑटो के बारे में गलत मत बोल। नहीं 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 नहीं, विजय ऑटो ठोका है, 2000 रुपए देने को कहो। उस ऑटो को मैंने तैयार किया है, पता है? क्या खाक ऑटो को रेडी किया है? पेट्रोल से चलता है कि आग से चलता है? धुआं ही धुआं। मेरी काबिलियत के बारे में मत बोल, नहीं तो काट डालूंगा। अरे एक दो ऑटो रखकर तुम लोग अपने आप को क्या समझ रहे हो? नहीं विजय, हम दोनों ने एक साथ रह के ही मैकेनिक का काम सीखा है, याद है? अरे वो तब था, अब नाके पे जाके पूछ के देखो कौन है खिलाड़ी। प्रॉब्लम हमारा तुम्हारा नहीं है, तेरे आदमी का है। मेरे आदमी ने अगर कह दिया तो क्या प्रॉब्लम है?
मेरे ही सामने तू बच्चे से बड़ा हुआ है। यही तो बच्चे लोगों की स्पीड है। क्या कहते हो? स्पीड चलाने की बात तुम्हारी नहीं है सन ऑफ गन, शार्प चलाना ही काबिलियत है। क्या है बे तेरी काबिलियत? तू क्या मेरे से बहुत बड़ा मैकेनिक है? बातें मत बना, पहली मत बुझा, सीधे से बता। तो रेस लगाएगा क्या? आने वाले संडे को तू क्या मैं क्या ये देखेंगे जीटीबी रोड पे 5,000 रुपए की शर्त। सब रेडी? बता क्या विजय भाई, यहाँ सब ओके है? ओके। जीतेगा भाई, जीतेगा, मेरा ऑटो जीतेगा। जीतना है भाई। अरे ये क्या कर रहा है तू? जल्दी कर, आजा 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 आजा, जल्दी आ, जल्दी आ। जीतने के बाद तुम लोग बियर पियोगे या गाना गाओगे? क्या किया तूने? अच्छा चलाते हो, मैं भी ऐसे ही चलाऊंगा। मेरी उम्र में फ्लाइट उड़ाने की सोचता था, ऑटो चला रहा हूँ। तू ऑटो चलाने की सोचेगा तो साइकिल भी नहीं चला पाएगा। चल जा पढ़ाई कर। क्या विजय भाई, सबकी गाड़ी रिपेयर करते हैं, हमारी गाड़ी भी रिपेयर कर दीजिए ना। ठीक है, लेके आओ गैरेज पे। ठीक है, ले आऊंगा। विजय, बगल के एरिया में गाड़ी बनवाई थी, उसने चूना लगा दिया यार, थोड़ी सी रिपेयर है, कर दो ना भाई। 1,000 रुपया ज्यादा था, इसके लिए यहाँ नहीं आया। अब ठीक है ना? पैसा मत देखो, हम क्वालिटी जो देते हैं। चलता हूँ विजय। ये लो, तुम्हारे लिए है। चंदर, रात को एंजॉय करेंगे। विजय भाई, यहाँ से सब निकल चुके हैं, सब उधर ही जा रहे हैं, निकल लो। आप ही वर्मा भाई हैं?
ये अन्ना जी ने आपके लिए दिए। हाँ लाओ लाओ। तूने लिया क्या? क्या सर? ए, मजाक मत करना, अनजान बनने का नाटक मत कर। झूठ बोलने की कोशिश की तो कुर्सी के साथ जला डालूंगा। जल्दी बता, गोल सी काली सी दो गोटियां तूने ली है क्या? कसम से मैंने नहीं लिया। नहीं तो कहीं गिरा दी क्या तूने? क्या कहा? ऑटो में गिरा दिया? अरे भाई 10 लाख का था। ठीक है, अब उस ऑटो को कैसे ढूंढेंगे? Cheers! क्यों रे उदास क्यों है? प्यार का मैटर है या फैमिली मैटर? नहीं यार, कल लड़की देखने गया था। कहते हैं दहेज लो या लड़की लो। ए, एक तो तुझे लड़की देना ही गुनाह है और ऊपर से दहेज भी चाहिए तुझे। नहीं यार, दहेज के बिना समाज में लड़के की इज्जत नहीं होती। ये मर्द है रे, ए इधर आ, इसको एक कड़क क्वार्टर ला के दे। चंदू एक मच्छी फ्राई भी, बाकी पैसे का मच्छी फ्राई और 2 अंडा। ए, संभाल के चंदू, पैसा ऐसे मत उड़ा। अरे शादी के बाद पैसों की जरूरत पड़ेगी ना। विजय आज है कल नहीं रहेंगे, पैसा तो आएगा जाएगा, जब तक है एंजॉय करते रहो, यही अपनी फिलॉसफी है। करेक्ट चंदू। मास्टर एक फुल तंदूरी चिकन। चंदर हा? उस बिरयानी की दुकान पे चलो। ओके विजय। रुको आ रहा हूँ। ठीक है आता हूँ। दीदी आ जाओ, कैसे हो? और जीजा जी कैसे? अरे भाई विजय, ऐसे ही आते और चले जाते हो, कभी हमारी दुकान की बिरयानी भी तो खा के जाओ। इतनी जल्दी फ्लैट हो गया? अच्छा, इस लड़की को और इसके भाई को घर छोड़ देना, तेरे घर के रास्ते में ही है। मेरा नाम चंदर है, आपकी दुकान नहीं है क्या? 50 का फुल प्लेट है ना? मुंह में क्या लेग पीस रखी हुई है? लेफ्ट लूं कि राइट लूं? लेफ्ट। मुंह में लेग पीस नहीं है। वो रहा घर। अच्छा, बिरयानी खाने से दिमाग चलता है, ये सच है क्या? खूबसूरत है इसलिए भाव तो खाएगी ही। चंद्रू इस रास्ते पर चलेगा तो धीरे धीरे सब सीख जाएगा। छी, कैसे सो रहा है? जैसे लॉरी के नीचे कुत्ता आ गया हो। तेरे साथ ऑटो चलाने वाले सुबह उठ के लाइन से ऑटो चला के अच्छे से परिवार चलाते हैं। तू है कि नंदी बिल की तरह घूमते रहता है, तुझे किसी चीज की चिंता है? सुबह सुबह इसकी कहानी शुरू गई, ये ले। बोलने पे 100-150 दे दे भिखारी की तरह, कमा के सब क्या करता है? इस पैसे को क्या मैं फाड़ू? ऑटो ठीक रखने में भी खर्चा होता है। हाँ, पूछने पर ऑटो दुरुस्त कर रहा हूँ, ऑटो दुरुस्त कर रहा हूँ बोलेगा, बॉटल पूरी पी के खाली करता रहता है।
दीदी उस दिन जो खाकी शर्ट पहनी थी वो कहाँ है? मुझे क्या पूछ रहा है, पीछे कहीं डाला होगा। अच्छा वहाँ नया शर्ट है, उसे पहन ले। ये नहीं है, ठीक है, पर वो लकी शर्ट थी। लकी कैसे हुआ, अभी तक उसने क्या दिया है तुझे? अपने जीवन पर भरोसा कर, अपने कंधों पर भरोसा कर, शर्ट पे भरोसा मत कर। तुम्हारी इसी बड़बड़ की वजह से तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया। देख उस सुबह सुबह उस बंदर के बारे में बोलेगा ना तो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे ए, दीदी दीदी क्या कर रही हो, जवान लड़के पर हाथ उठाते तुम्हें शर्म नहीं आती? ए छोड़ो। बैरामबाग चलोगे क्या? नहीं जाना है। अब फिर कहाँ चलोगे? अपने आप को क्या समझ रहे हो, पुलिस को कंप्लेन करूंगा। ऑटो वाले को कहीं भी जाना चाहिए, यही कायदा है, इट्स अ रूल, इट्स एन एक्ट। ये देखो गाड़ी कंडीशन में नहीं है, दूसरा ऑटो पकड़ लो। हेलो कमिश्नर साहब, यहाँ एक ऑटो वाला बैरामबाग जाने के लिए। एक कौवे, तुझे श्राप देता हूँ, फ्लाइट में उड़ने वाले जब तेरे ऊपर ये सब करेंगे तब पता चलेगा। एक्सक्यूज मी, हाय। व्हाट इज टाइम? पढ़ाई लिखाई की है? मैंने 12वीं तक पढ़ाई की है। hey. अब मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपका फिगर एकदम सॉलिड है, उसी दिन बोलना चाह रहा था, आप एकदम सिनेमा के हीरोइन जैसी लगती हो। गांव वाले कहते हैं शहर के लड़के प्यार भरी बातें करेंगे फिर धोखा देकर भाग जाएंगे। गाँव की लड़कियाँ बड़ी होशियार होती हैं यार, ये सिनेमा में ये सब कैसे हो जाता है? हेलो रेडियो मिर्ची वाले, मेरा नाम जगन है लेकिन मुझे सब सप्लाई सप्लाई कहकर बुलाते हैं। अरे रे सुची, बहुत मस्त बात करते हो यार। मैडम आपकी आवाज बहुत ही स्वीट है, आप मुझे बहुत ही पसंद है। ए, चुप रह, मजाक कर रहा हूँ। हम लोगों को हम तुमसे जुदा होके ये गाना बजाइए ना मैडम। हाँ डैडी कितना, दूसरे किसके लिए? अपने यार और सुजाता के लिए। इसका नाम ले रहा है? ए रुक रुक, अबे तेरी तो। ये सुजाता कौन है यार? वो उसकी आइटम है भाई। भाई ये गाड़ी किसकी है? यही है चीता, अपने विजय की गाड़ी। विजय की? मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। बाहर निकालता ही नहीं है, सिर्फ रेडी करके धो पोछ के रख देता है। क्यों, ये गाड़ी है या डब्बा? 230 किलोमीटर की स्पीड में चलती है, इसी गाड़ी की वजह से अपने विजय का नाम हुआ है। ऐसा क्या, गाड़ी एकदम मस्त है यार। hey! अभी देखता हूँ। hey! नहीं चंद्रू, मेरे चिता को मत छूना। क्या छूना मत, हाथ मत लगाना, ये क्या तेरी बहन है? अरे बाहर, तूने ऑटो की इंस्टॉलमेंट भरी क्या? अभी उसके लिए जा रहा हूँ ना। पहले वो भर क्या? जा रहा हूँ विजय, जा रहा हूँ, मुझे गाड़ी छूने नहीं दिया ना, अब अगर तू मर भी जाएगा ना तो यहाँ पैर नहीं रखूंगा। आओ चंद्रू साहब, बहुत दिन हो गए, मैं तो खुद ही आने वाला था। सेठ जी मेरा कितना बाकी है, हिसाब देखिए जरा ठीक से। हमारे पैसे से ही समोसा खा रहे हैं। अभी तक तुम्हारा हिसाब 15,000 हुआ है। 15,000 हुआ? हाँ अभी बस 1500 रुपए है, बाकी का सारा अगले महीने दे दूंगा। इतने महीने से यही कहता आ रहा है ये बता। मीटर की कसम अगले महीने दे दूंगा, क्वार्टर की कसम अगले महीने दे दूंगा, सिस्टर की कसम अगले महीने दे दूंगा, मैटर की कसम अगले महीने दे दूंगा। तुम्हारे देते देते सेठ के 3 बच्चे भी हो गए, इसके आगे नहीं चलेगा चंदू। क्या सेठ जी, बोल रहा हूं ना दे दूंगा, बस बकबक किए जा रहे हैं। ठीक है नहीं करेंगे, तुम 1 महीने के अंदर 15,000 दे दो, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। पैसे नहीं आए तो सेठ तुम्हारी गाड़ी को सीज कर देगा। हेलो
हाँ बोलिए अन्ना जी। वो रामू कैसा है? सुरक्षित है। अरे वो ऑटो ढूंढना तो ऐसा है जैसे तिरुपति में टकलों को ढूंढना। अब तुम क्या करोगे? वो सब करने के लिए यहाँ आदमी है। यहाँ ऑटो के लिए दो लोग हैं, एक विजय और दूसरा सन ऑफ गन। ये दोनों सिटी में बहुत बड़े मैकेनिक हैं। वो सन ऑफ गन है ना, आपके गांव वाला है अन्ना जी। ये तो अच्छी बात है। अब ऐसे ही बातें करते रहोगे? जल्दी से उसे लाइन मिला के दो, मैं उससे बात करूंगा। ठीक है अन्ना जी, लेकिन वो बदमाश हाय पैसा करता है अन्ना जी। अरे ये कबाब में हड्डी कौन है यार? मैं वर्मा भाई बोल रहा हूँ सन ऑफ गन। अरे वहाँ क्या कर रहे हो? ए सर्विस कर रहा हूँ। तुझे इससे क्या मतलब है? कुछ नहीं, अपने अन्ना जी है ना, तुमसे बात करना चाहते हैं। तुम्हारे गांव वाले हैं यार। अन्ना जी सन ऑफ गन से बात कीजिए। अन्ना जी नमस्ते। सन ऑफ गन, मेरा गांव रामपुर है। मेरा श्यामपुर है। अरे बहुत नजदीक वाले हैं। आप कैसे हैं अन्ना? गांव में सब कैसे हैं? बारिश हो रही है ना? अरे मैं अभी मुंबई से बोल रहा हूँ। ओ वर्मा भाई, आप बॉम्बे में क्या कर रहे हैं? मैं अभी मद्रास में हूँ यार। तो आप इंटरनेट से बात कर रहे हैं? नहीं यार, फोन पे बात कर रहा हूँ। अरे यार काम की बात कर। अन्ना जी का एक सामान ऑटो में गुम गया है, उसका पता लगाना है। कौन सा ऑटो? ऑटो का नंबर क्या है? कौन सा स्टैंड है? अबे यार मुझे पता होता तो तुम्हें फोन क्यों करता? ऑटो चलाने वाले लड़के को किसी ने देखा है क्या? हाँ, उस आदमी को पकड़ के रखा है। ये काम तो बराबर करते हो लेकिन सामान छोड़ देते हो। अरे बेकार में सलाह मत दे, तुझसे काम हो सकता है तो कर, 50,000 दूंगा। क्या अन्ना जी, पैसे की क्या बात करते हैं? वो तो आ जाएगा कल जाएगा, लेकिन आ जाएगा तो कल जाएगा ना, पता करेंगे पकड़ लेंगे। बेवकूफ। रामू एक स्पेशल चाय लेके आ। hey, चाय में नमक डाल के ला, फिर इसके मुंह से बात निकलेगी। क्या अभी मैकेनिक हो कि 30 मार खा हो, हर बात दिल पे ले लेते हो। तू नहीं सुधरने वाला गधा है। अच्छा सेठ से मिला? मिला ना, 15,000 भरना है, वो भी एक महीने में। 15,000 भरने? क्या वो मैं देख लूंगा, सेठ जी अपने ही हैं। घोड़ा घास से दोस्ती नहीं करता, क्योंकि अगर वो दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, और यही बात सेठ ने भी कही थी। संभल के चंदू, नहीं तो फंस जाएगा। अब कुछ पैसा वैसा चाहिए क्या? क्या पैसे की बात कर रहा है? बहुत पैसे आ गए क्या तेरे पास? अरे कुछ ना कुछ अरेंज कर लूंगा। छोड़ ना यार विजय। चाय भैया। हाँ हाँ, रात में तुम कहाँ गायब थे? 10-12 का डिस पाना लेके आ। विजय भाई कल रात सर्विस करके आए हैं। पैसा देके? फिर क्या फोकट में उनके दामाद लगते हैं क्या? अरे यार ये कैसा शौक है विजय, एक लड़की को देखो, बात करो, घूमो, प्यार करो, उसे होशियार बनाओ। भाजी लाने का, चावल बनाने का, स्टोव जलाने का, अरे ये भी कोई सोच है? पैसा देने का और बिरयानी खा के रहने का, अब ये सब छोड़ के प्यार मोहब्बत लव बीवी बच्चा, अरे इससे तो अच्छा हमारा काम है। झूठ मूठ की पहली मत बुझा, तेरी पर्सनैलिटी पे ये सूट नहीं करता। चल बे। क्या भाई मंदिर का प्रसाद है क्या? भाई लड़के को कहां से पकड़ के लाए? अरे घर से लेके आ रहा हूँ यार। क्या भाई लव मैरिज है क्या? फालतू की बातें मत करो सन ऑफ गन, जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया है वो करो ना। इस लड़के ने उस ऑटो वाले को देखा है, रामू नाम है इसका। आहा, जरा घूंघट उठाओ, लगता है इज्जतदार घराने का है। मैं उठाऊं? मुझे यही लगा था, सबको इज्जत देने वाला लड़का है। अबे ऑटो में क्या भूला? काला सा गोल सा गुलाब जामुन ऑटो में भूल गया। बेवकूफ लड़का है, भाषा नहीं समझता, बुद्धि खराब कर दी। मुर्गी के अंडे जैसा। अबे अन्ना जी की उम्र कितनी हो गई है? मुर्गी पकड़ने की उम्र में अंडा ढूंढ रहे हैं? पता नहीं। फिर तुझे क्या पता है? ऑटो की पहचान पता है? हाँ पता है, पीले कलर का था, रजनीकांत का स्टिकर चिपका था, खाकी शर्ट पहनी थी, बीच में घुस घुस के चला। वही था वही था वही था, 3 टायर होंगे, 1 मीटर होगा, उसके अंदर बैठ के भागा होगा। वही था वही था। अबे ये कैसी पहचान बता रहा है,
काला कौआ कहने से क्या किसी खास कौए को पहचाना जा सकता है? अगली बार मेरा निशाना बिल्कुल नहीं चूकेगा। मजाक छोड़ के इस टकले के साथ जा और ध्यान से ऑटो को ढूंढ। हाँ, सुना? ए टकले, लेके जा इसको। ऑटो ढूंढने को कहा तो दांत दिखा रहा है। नाम क्या है तुम्हारा? रानी। रानी, मेरी लक्ष्मी पेट्रोल पीना भूल गई है जब से तुम्हारे हाथ की बढ़िया बिरयानी खाई है। पसंद आई? पसंद आई मतलब? कल मैंने एक सपना देखा, उसमें जानती हो तुम मुझे बार बार बिरयानी खिला रही थी और मैं खाता ही जा रहा था। बड़े बड़े लोग आ रहे थे, MLA, मिनिस्टर, शाहरुख, सलमान, सब तुमसे बिरयानी मांग रहे थे, लेकिन तुम हाउसफुल का बोर्ड लगाकर सिर्फ मुझे ही बिरयानी खिला रही थी। क्योंकि तुम्हारी दुकान पाली हिल में थी। ये पाली हिल कौन सी जगह है? तुम्हें पाली हिल नहीं पता? अंबेडकर रोड है ना, अंबेडकर रोड के थोड़ा सा आगे। अंबेडकर रोड जानती हो ना, उसके ना किस में जाएंगे तो पाली हिल है। अंबेडकर रोड ही नहीं पता? वही पास में एक सुपर थिएटर है। मेरे गाँव में भी थिएटर है। गाँव का थिएटर? वही पान थुकेंगे फिर उस पर मिट्टी उठा के डाल देंगे। अरे मनोज तिवारी और शाहरुख खान में फर्क है कि नहीं? वहाँ 2 रुपए की टिकट मिलती है और जमीन पर बैठना पड़ता है। यहाँ गद्देदार सीट, फैल के बैठने में बहुत सुकून मिलता है। फिल्म स्टार्ट होने के पहले पर्दा खुलता है, ठड़ाम ठड़ाम आवाज आती है, उसी में पैसा वसूल है। अरे बाप रे, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? हाँ देखो, देखोगी तभी मानोगी। कल दोपहर को तैयार रहना, पिक्चर जाएंगे, मैं लेकर जाऊंगा। ना ना, मैं नहीं आऊंगी। इतना शर्मा क्यों रही हो? ये शहर है रानी, बॉयज गर्ल्स साथ में जाते हैं। डरो मत, चाहिए तो मैं अपने हाथ पॉकेट में डाल के बैठूंगा, ठीक है ना? छी दीदी, तो फिर 2 टिकट निकलवा लूं ना? निकाल लो। इस तरह क्यों ऑटो चलाते हो? मेरे सामने तो सीधे बनते हो। क्या यार, तुम भी शहर के बारे में जानती नहीं हो, चंद्रू के बारे में पता नहीं है। मार्केट में लोगों से पूछो, बताएंगे चंद्रू कितना बड़ा रेसर है। यो, देखने में एकदम सीधा साधा सिनेमा के हीरो की तरह है, ये कहाँ रेस लगाता होगा, यही सोच रही हो ना? मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ। इसका मतलब मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? चंद्रू, तुम्हें लड़कियाँ पसंद नहीं करती ना? नहीं तो? देख कर ही पता चलता है। यहाँ इस शहर में कितना शोर शराबा है, लगता है जैसे सब खेल रहे हो। ए मुंबई, क्या खेल लगता है तुझे? फिर क्यों बैग उठा के यहाँ चली आई? सबका मान रखने वाला सलमान, शाहरुख, सारे स्टार यहीं पर रहते हैं। अपने मुंबई के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो भिड़ जाऊंगा। क्लीन मुंबई, ग्रीन मुंबई, आमची मुंबई। सामने देखो। ए कैसा लगा? तुम यहीं रुकना, मैं टिकट लेके आता हूँ। ठीक है। छेड़ता है मुझे। शर्म नहीं आती तुझे? बेशर्म, हाथ कैसे लगाया तूने? कहाँ थे? टिकट देना यार। कौन है यार? तीन अपे आइटम वेट कर रही है। क्या हुआ? हाँ? कुछ भी तो नहीं। अपनी बिरयानी के लिए इतनी पब्लिक? ए, ए, ये अपनी आइटम है, चलो अंदर चलते हैं। अरे यार, ये कौन है यार? ये कौन है? कौन ही से लेके जा रहे हैं? इतनी देर कहाँ था भाई? अबे हटो बे, लड़के हीरो की क्या?
क्या चंद्रू, चेहरा बहुत चमक रहा है। कहाँ गायब हो गए थे, कोई लड़की का मैटर था क्या? चंद्रू तेरा काम पूरा हुआ कि नहीं? यही एक मैटर मेरी समझ में नहीं आता यार, ये कैसे शुरू करूं यार? ये कौन सी बड़ी बात है, एक दिन उस लड़की के साथ जा और उसको बोल तू एक लड़की है मैं एक लड़का हूँ, तुझे देखते ही मुझे कुछ कुछ होता है, चल हम दोनों करते हैं यार, बड़ा मजा आएगा। कसम से किसी से नहीं कहूंगा, ऐसे पता ना यार। बस इतना ही? अपनी पर्सनालिटी पे ये सूट नहीं होगा ना चंद्रू? अरे रे पर्सनालिटी तो देखो, ऐसे बोल के तेरा काम होगा क्या? जा जा तेरा काम कर। ए सप्लाई यार बता ना, कोई आइडिया तो दे। इसमें बताने के लिए क्या है चंद्रू, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा ना, मौका मिलते ही तेरी लव स्टोरी को पूरा जमा देंगे, उसका भी टाइम आना चाहिए ना चंद्रू। क्यों भाई, औरतों के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे ये क्यों भूलते हो कि तुम्हें जन्म देने वाली एक औरत ही है। ऐसा सोच भी लिया तो क्या हुआ विल्सन, मर्द तो औरत से ही शादी करेगा ना, तू ऐसा नहीं सोचता क्या? ए फालतू लोग, तुम लोग बाहर जाओ, अपने को चंदू से थोड़ी पर्सनल बात करनी है। ये मेरी दुकान है। तेरी दुकान है तो क्या हुआ रे, तेरी दुकान से चार बाल चुरा के ले जाएंगे, जाओ ना। अरे जाइए। आपको क्या पीले चावल चाहिए, जा ना। ये बताओ चंद्रू, तुम किसके लिए रेस लगाते हो? मैं जीतने के लिए रेस लगाता हूँ। अरे क्या यार चंदू, ये क्या छोटे बच्चों का खेल है जो ध्यान से देखेगा कोई है? चंदू मैं जो कहता हूँ ध्यान से सुनो, ऐसा नहीं रहेगा तो भिखारी भी खकार के थूकेगा। हाँ तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे लिए रेस लगाओ, तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा, तुम्हें रिच बॉय बना दूंगा। ए सन ऑफ गन, तुझसे एक बात पूछूं क्या? पूछो भाई पूछो। खाने में नमक डाल के खाता है या नमक में खाना डाल के खाता है? ये देख मेरे लिए दो चीजें मायने रखती है, एक मेरी ऑटो लक्ष्मी और मेरा दोस्त विजय। हमारे बीच में पैसा ला के दोस्ती तोड़ने की कोशिश मत करना। अरे क्या बेकार की फ्रेंडशिप, नाता रिश्ता ये सब उड़ जाएगा। मैं तो इससे ऑटो छोड़ के ट्रेन चलवाना चाहता था, पर ये है। ए डाबर उसको अंदर आने के लिए बोल यार, पीछे का बाल बढ़ गया है। कुछ तो बोलो। तुम ही कुछ बोलो ना। अच्छा कोई कहानी सुनाओ। एक गांव में एक दादी ने वड़े बनाए। ए, एक्टिंग करके बताओ ना। एक गांव में एक दादी ने वड़े बनाए। कैसे बनाए? बंदूक लेके डिशुम डिशुम बनाई। क्या कहानी सुना रही तू? हाँ मैं कहानी सुनाता हूँ एक्शन वाली। कल रात मैंने एक फिल्म देखी, उसमें जो हीरो लड़का है ना, वो क्या किया, ऐसे दरवाजा बंद कर दिया। छी बेवकूफ, कौन सी फिल्म देखी? अपने इमरान हाशमी की फिल्म। हट। तुम्हारी और रानी की शादी कब करें, यही पूछता हूँ मैं उसको। अरे मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि ये शादी मुझे पसंद नहीं है। दीदी तुम ही बोलो ना। अभी तो बम्बई आई है, थोड़ा उसे और घूम लेने दो। एक बार रानी से भी तो पूछ लेना चाहिए ना। उसको क्या पता है, वो तो अभी बच्ची है, गांव में पैदा हुई है, हम लोग बोलेंगे तो वो करेगी। ए मैं बोल रहा हूँ वो करना। ए मैं जो बोलती हूँ वो करना। अबे ये अपने चंदू की गाड़ी है ना? हाँ उस्ताद। तो आजा आज इसे थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, आजा। कुछ कहेंगे तो सुनेगा नहीं क्योंकि वो मुर्गी पकड़ रहा है। तो मैं चंद्रू को बुलाऊं? अरे चुप रे। अरे हम क्या इतने नालायक हैं कि किसी की कबाब में हड्डी बन जाए? हाँ लेकिन कुछ भी कहो, सीन बड़ा जोरदार चल रहा है। हाँ ये गाड़ी कब तक तैयार हो जाएगी? आओ चंद्रू। अबे इस खटारा गाड़ी को और कितने बार बनाएगा, ये बुड्ढी दुल्हन नहीं बन सकती वे। अरे बहुत दुल्हन दुल्हन कर रहा है यार, आखिर चक्कर क्या है? अरे वाह शर्मा रहा है क्या, काम तमाम हो गया क्या? कौन है वो लड़की? छोड़ना यार सप्लाई, तेरी इस हरकत से लगता है कि किसी ने तेरी सर्विस की है।
हमसे लड़की क्यों नहीं फंसती है? कौन है वो? है कोई भी हो, हमें क्या करना? औरतों की तरह पूछता है कौन है कौन है, काम कर। ए चंदू, मटन खाने के बाद हड्डी गले में नहीं बांधते हैं। साड़ी लेके दूंगा, शादी करूंगा, ऐसी कसम खाने की जरूरत नहीं है। शादी करके तू फंसना चाहता है क्या? अब तू ही ऐसा बोलेगा तो क्योंकि लव मुझे पसंद नहीं है। ये शादी, ये संसार, इस पे भरोसा नहीं है मुझे। इतना ही नहीं, मुझे औरत ही पसंद नहीं। औरतों को तू पसंद नहीं आता है ऐसे बोल। चंदू कोई तुम्हारी गाड़ी लेके भाग रहा है। हमारी ही एरिया में आके पूजा कर रहा है, है? ओ, किस्त नहीं भरी थी इसलिए चुनीलाल सेठ ने गाड़ी उठाने को कहा। सेठ को बोल दे। सॉरी भाई, जा। छे। सेठ जी, अपना लड़का है, इस बार छोड़ दो। तुम्हारा लड़का है तो तुम पैसे दो। मेरे पास तो नहीं है, सिर्फ इस बार एडजस्ट कर लीजिए। मेरे पास होगा तो मैं दे दूंगा। ठीक है, कब पैसे दोगे? दुर्गा पूजा के बाद मैं खुद ही आकर दे दूंगा। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन पैसा अगर नहीं मिला तो सेठ पर गुस्सा मत होना। हा? मेरी जबान है सेठ जी, भरोसा रखिए। तुम्हारा मुंह देख के दे रहा हूँ विजय। बार बार समझाता हूँ, उस सेठ का पैसा चुकता कर दो, लेकिन तू पी पी के सब उड़ा देता है। ठीक है, पैसों का क्या करें? सॉरी विजय, तुम्हारे पास है तो दे दो ना। अरे रहता तो देता नहीं क्या? जब तेरी खुद की जेब खाली है तो मुझे क्यों एडवाइस दे रहा है? ए, बहुत चालाक है तू। सेठ के पास अगर मैं चुप रहता तो तुझे अकल आती। विजय, पैसा एकदम सुपरस्टार की तरह होता है, कब आएगा कब जाएगा किसी को पता नहीं। लेकिन आने के टाइम में बराबर आएगा। हाँ, तू बराबर बोल रहा है भाई। मच्छी मच्छी मच्छी। वो मेरी मछली है, तू क्यों ले जा रहा है? दरिया से लाते वक्त उसकी माँ से नहीं पूछा, अब तुझसे पूछूं क्या? hey, मछली दो। मछली चाहिए, ये ले। अरे तुम मेरे से अकड़ रहा है? hey! लफड़ा हो गया। क्या यार, तू कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाल रहा है, खींचा तानी कर रहा है? क्या यार चंदू, एक ही जगह तो है जहाँ इंसान सब कुछ भूल जाता है और मिलकर पीता है, और तुम यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है। तू यहाँ पिएगा, वो वहाँ पिएगा, जाओ यार, जाओ जाओ। अरे बाप रे, अरे मेरी माँ, मेरा तो मान ही खत्म हो गया। कोई अगर कौआ मेरे सर पर बोतल फोड़े और मैं फोड़ूंगा तो फिर बोलेगा। कौआ बोतल कैसे फोड़ेगा? वही तो मैं बोल रहा हूँ, मेरा मान सम्मान खत्म हो गया है।
अब दो में से कोई एक ही रहेगा, या तुम रहोगे या हम। ए, चंद्रू चल छोड़ यार। ऐसे नहीं छोड़ सकते विजय, अपनी भी इज्जत है कि नहीं है। तू सन ऑफ गन है या डॉटर ऑफ गन है, SOG या DOG? अबे तू चाहता क्या है? तुम जो चाहो। तेरे पास मूछ नहीं है, ऑटो नहीं है। क्या बोला विजय भाई? तेरा लड़का बहुत उछल रहा है, जरा दबा के रख। अरे क्या वो कीड़ा मकोड़ा है जो दबा के रखोगे? वो सही बोल रहा है। मतलब रेस लगाना है, हा? जो रेस में जीतेगा सिर्फ वही यहाँ बैठकर पिएगा, यही ना? ये कैसी शर्त है यार, हम लोग क्या बेवड़े हैं? रेस लगाने के लिए कम से कम 15,000 की शर्त होनी चाहिए। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। दो बड़े बात कर रहे हैं ना? है, वो सही कह रहा है। बिना पैसे की शर्त का क्या मतलब? ठीक है भाई, 15,000 रुपए, और जो इस रेस में जीतेगा सिर्फ वही शराब की दुकान पर बैठकर शराब पिएगा। रेस कब है? दुर्गा पूजा के बाद, विजयदशमी के दिन रेस। चंद्रू ऑटो वाले के साथ साथ पॉलिटिशियन भी है। तोड़ना विजय। अरे तू तो चैप्टर है यार, पैंट उतारने की जगह चड्डी भी उतार दी। पैसे की बात करने के लिए सन ऑफ गन के पास गया था। अच्छा हुआ तुम समझ गए, मुझे तो लगा कहीं तुम टेंशन में ना आ जाओ। hey, मैं क्यों टेंशन में आऊंगा? सेठ को पैसे देने थे इसके लिए तूने बात की, अपन सेठ से गाड़ी वापस लाए इसके लिए मैंने बात की। ठीक है विजय, मैं चलता हूँ। चंद्रू आज गाड़ी छोड़ के जा, एक सुपर आइडिया दिमाग में आया है। तुम्हारी गाड़ी की स्पीड क्या है? होगी 70-80 की स्पीड। मेरे पास जो आइडिया है उससे स्पीड 110 हो जाएगी। क्या विजय, कार का इंजन डालने वाले हो क्या? नहीं यार, एक और कार्बोरेटर लगाऊंगा। दो कार्बोरेटर होंगे तो इंजन को ज्यादा पेट्रोल मिलेगा, इंजन सुपर पावर होगा। अभी इटालियन पिस्टन रिंग्स मंगाए हैं, वो भी लगाएंगे। और इस चेन अभी भी तो गाड़ी अच्छी चल रही है, क्यों फालतू में छेड़ रहा है उसे? मैं बोल रहा हूँ ना, तू मैकेनिक है कि मैं मैकेनिक हूँ? ऐसा करेंगे तो तुझे कोई भी नहीं हरा सकता है। चुप रहो, अभी मुझे कोई टच करने वाला पैदा नहीं हुआ। ठीक है रख लो, अब कल तक मुझे सवारी नहीं मिलेगी। ब्लाउज अच्छा है। ए, समोसे लेकर आना। ये लो। ये क्या छोड़ दिया? मुझे सिर्फ मसाला पसंद है। मुझे तो यही पसंद है कुरकुरा। मुझे लगता है हम लोग मच्छी जमेगी। ए, मच्छी का सर पसंद है? छे, मच्छी का सर कोई खाता है क्या? मैं खाती हूँ। पहले मैं सोचती थी मुझे कोई तो ऐसा मिलेगा जिसे मेरी तरह मछली का सिर पसंद होगा। मुझे सर के अलावा बाकी सब पसंद। अरे छी, इसी को तो कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री? ये क्या है? जैसे देख, सिनेमा में हीरो हीरोइन कैसे एक्टिंग करते हैं बिल्कुल असली पति पत्नी की तरह, उसे ही केमिस्ट्री कहते हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता है? मैं पेपर में पढ़ती हूँ ना। तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी लड़की मुझे भाग्य से मिल गई। अस्सी तक पहुंच गया ना? हाँ ठीक है। ऐठ मत, अरे ऐठ मत, बोल रहा हूँ ऐठ मत। पता है विजय। अरे ऐठ मत, ऐठ नहीं रहा हूँ यार। हाँ ठीक है, नीचे पैर का एक्सलेटर दबा। यही ना। अबे ज्यादा मत, आराम से आराम से। एक्सलेटर कम कर, एक्सलेटर कम कर। हाँ अभी धीरे से बढ़ा, धीरे धीरे। अब देख, अब तो मैं ऑलरेडी किंग हूँ। हाँ। जो मुझसे रेस लगाएगा उसे आधा क्वार्टर पिलाऊंगा। जब बाबा दारू लिया, हाथ लगाते ही उड़ने लगती है। 110 किलोमीटर की स्पीड है, कोई और ऑटो चलेगी क्या? 110 किलोमीटर? गाड़ी तो सुपर है यार। गाड़ी तो सुपर है ही, लेकिन उसको चलाने के लिए हाथों में दम चाहिए। वो इस हाथ में है बे। क्या भैया, बहुत ज्यादा बोल रहा है ये? वो चलाता है ऐसा कह रहा है? इसका मतलब ये गाड़ी तुमने रेडी नहीं की? अरे वो कौन है, अपना लड़का है, बच्चा है, बोलने दो। ए रामू उठ जा, जब देखो तो सोते रहता है, आज दुर्गा पूजा है।
सब ऑटो स्टैंड में होंगे, हम लोग जिस ऑटो को ढूंढ रहे हैं उसका पता लग जाएगा। चल उठ, जब देखो तब सोते रहता है, चल जा। चल क्या हुआ सर? सर पूजा हो रही है, यहाँ पर जाइए ना सर, आपके लिए प्रसाद भेजता हूँ ना सर। ए पंटर लोग आ जा रहे, बुला रहे हैं। मुंबई नगरी में माटुंगा, माटुंगा के बगल में दादर, उसके बगल में है सिद्धि विनायक, उसमें बसे हैं हमारे सुखकर्ता दुखहर्ता गजानन। भैया चाय लाओ क्या? है कल रेस होने वाली है, बिरयानी मंगाएगा। एक नई दुकान चालू हुई है, वहाँ लेके चलता हूँ मैं, सुपर बिरयानी मिलती है। ये बात है, लगता है इसको कहीं देखा है मैंने। अरे दया। अरे दीदी। कैसे हो दया? दीदी साथ में लड़के सन ऑफ गन बोलो। अभी तक नहीं बता तो, बैठ जा। अच्छा ये लड़की तुम्हारी बेटी? हाँ, है क्या? मेरी बेटी है रानी। शादी वादी हो गई? बहुत ही सीधी लड़की है, इसकी शादी विजय से करना चाहते हैं, मगर वो कुछ जवाब ही नहीं देता। क्या करे कैसे करे तुझे तो पता है, वो हम लोगों के लिए देवता है। देखो शादी की बात से कितनी शर्मा रही है। क्या दीदी, लड़की को शर्म नहीं आ रही है, गुस्सा आ रहा है। क्या रानी क्या कहती हो, विजय पसंद नहीं है ना, मुझसे शादी करोगे? क्या दया तुझे हर वक्त मजाक सूझता है। दीदी सनाप गन बोलो ना। क्या हुआ, इतने चुपचाप क्यों बैठी हो? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ हाँ। तो फिर मुझसे शादी कर लो ना। शादी वो तो घर के बड़े लोग करेंगे ना। चंद्रू मेरे घर वाले मेरे रिश्ते की बात चला रहे हैं। तो कर लो, तुझ में हिम्मत है, मुझे अच्छी तरह पता है। अरे चुप, रो क्यों रही हो? मेरे घर आकर मेरा हाथ मांगो। ये शादी वादी की बात मुझसे नहीं होगी, मैं रेसर हूँ, मुझे ये शादी का झमेला सूट नहीं करेगा। इसका मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? मैं तुझसे शादी करूंगा, कब बोला? मैं तो सोच रही थी कि तुम मुझसे शादी करोगे। मजाक मत करो चंद्रू, मुझसे शादी कर लो। पता है रे, सब पता है, सब लड़कियां ऐसी होती है, पहले प्यार के जाल में फंसाएंगे, फिर शादी कर लो ये जिद पकड़ लेंगी। मैं अभी शादी वादी नहीं कर सकता। तब तक मैं क्या करूं? मुझे पता नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? गांव वाले ठीक कहते थे, शहर के लड़के ऐसे ही होते हैं। कितना भरोसा किया था, तुम मेरे लायक हो ही नहीं। सत्यानाश हो तुम्हारा। क्या यार कितनी बास आ रही है, ए पी के जाएगा तो रेस में एंट्री नहीं मिलेगी। क्या चंद्रू, ए विजय परेशान हो रहा है, चल यार रेस का टाइम हो गया, तेरा सर भारी हो रहा है क्या? चल 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 जल्दी चल।
अब तक कहां था तू? ठीक है चलो 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 सब लोग रेडी हो जाओ, चलो चलो चल चंद्रू चल चल। हाय पीछे हट, मैं जाऊंगा। तेरे साथ कौन चल रहा है पता है? मुर्गा। लड़का थोड़ा शार्प है। ये क्या हो रहा है? विजय जा रहा है? अबे ए निकल, ए मुर्गे आ जा। ए मुर्गे। मुर्गा नहीं शेर। जा बे गधे। क्यों विजय, और चाहिए कैश या क्रेडिट कार्ड? Hey, son of gun, पैसे तो नहीं है। क्या पैसा नहीं है? पैसा नहीं था तो औकात को कंधे पे डाल के क्यों ले आया? ज्यादा बात मत कर रहे। तू हार गया है, मेरा चेहरा देख के बात मत कर, मेरी चप्पल देख के बात कर। किसको बोला तू? किसको बोला? चुप। इसे कहते हैं फ्रेंडशिप, पैसा नहीं है इनके पास, कंगाल है ये। देखो मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे क्या करना है ये बताओ। करने का क्या है? क्या समझता है विजय? तुम जीतोगे तो मैं झुकूंगा, मैं जीतूंगा तो भी मैं झुकूंगा। मेरे बाप ने धर्मशाला खोल के रखी है। देखो तेरा नहीं मेरा नहीं, एक और रेस लगाते हैं। अगर मैं जीता तो 15,000 कैंसिल, तू जीता तो मैं 30,000 दूंगा। है क्या तेरे पास? तेरे पे भरोसा कैसे करूं? ऐ, उस सेठ के पास दोनों पैसे रखते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे गैरेज के पेपर रख लो। गैरेज के पेपर? विजय तेरा तो बंटा डार हो गया। फुल है जी। यार विजय ये जगह अपने घर जैसी थी। अब क्या करें, अगर हम लोग जीते होते तो उसे भगा देते, है ना चंद्रू? अभी कहाँ जाके पियेंगे, सारे लड़के गैरेज में हैं। अपने गैरेज में ही पियेंगे। गैरेज में? वहां पीने के लिए मना करते थे ना? आज अपना वक्त खराब है। ए, वही अपनी जगह, वही पियेंगे। ठीक है, तुझे रम, तुझे बियर, ठीक है लाता हूँ।
1000 सप्लाई, वो मुर्गा तो सही में शेर निकला यार, बहुत ही शार्प है भाई। हाँ शार्प ही तो है। ए, काय का शार्प है साला थकेला आदमी। हे ऐसा नहीं बोलने का, अगर हम लोग जीत गए होते तो हम लोग बड़े आदमी थे, अब वो जीत गया है तो वो बड़ा आदमी है। ठीक ही तो बोल रहा हूँ, इतने दिनों तक हम लोग जीत रहे थे, लक्ष्मी भी एकदम सही चल रही थी। तो मेरी लक्ष्मी ने क्या किया? वही तो विजय, तूने जो किया वो लक्ष्मी को सूट नहीं हुआ। हर बार स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही हूँ, यही तो अपनी कला है। हाँ विजय, इतने दिनों तक तुम सही बना रहे थे, इस बार सही रिपेयर नहीं किया और चुप रहे। नाचना आता नहीं और आंगन टेढ़ा, इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे तुम, कल रात को कहाँ गए थे तुम? वो छोड़, आज रेस चलाते वक्त क्या तू सही था? सॉरी भाई, मेरी मिस्टेक, गाड़ी तो बराबर चल रही थी, मुझसे ही भूल हो गई, सॉरी भाई, वेरी सॉरी। विजय ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ऐ ए मुर्गे, तू चिंता क्यों करता है यार, कल तू ही जीतेगा, मुझे पता है तू भी यही सोच रहा है। अरे चुप रहो ना गन भाई, आप तो कहते थे बहुत बड़ा रिक्शे वाला है, मुझे हरा देगा। या मैं भी यही सोच रहा था, जो काम मुझे करना चाहिए था वो कर रहा था। बिरयानी चाहिए या कीमा? भगवान आदमी के जीवन में कैसा कैसा समय लाता। चल रहे विजय के कैरिज पे चलते हैं। किस लिए उस्ताद? है उन दोनों के बीच में गुटुर गुटुर करने। क्या हो गया यहाँ? हरा भरा रहने वाला गैरेज वाला लाल पीला हो गया, किसी ने काला पीला कर दिया क्या? यार विजय, जीवन में मान सम्मान आता जाता रहता है, अबे फूल दे यहाँ, बहुत दिनों के बाद पीते हैं ना, खुशी तो बना नहीं पड़ेगा। लेकिन तू खुशी नहीं बना सकता क्योंकि तू हार गया है। अबे सबको सलाह दिया करता था कि गैरेज में बैठकर शराब नहीं पीनी चाहिए, और आज इसको देखो, खुद अपनी ही गैरेज में बैठकर शराब पी रहा है। इसको कहते हैं विधि का विधान। भगवान तो यार भगवान ही है, सबको देखता रहता है, इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ए, खुद के लिए शराब भी ना खरीद पाए, इतने कंगाल नहीं है, ज्यादा बेइज्जती मत करो। हम लोग क्या बेइज्जती करेंगे, उस दिन बीच पे तो तुम बड़ी इज्जत कमा रहे थे। शिवा शिवा, हमने भी सब कुछ देखा था। लफड़ा मत कर, जा। क्या यार विजय, तू हमेशा मेरे लिए बुरा सोचता है, लेकिन मैं हमेशा तेरा अच्छा ही सोचता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन, मैं नारियल की तरह हूँ, ऊपर से भले ही कड़ा लगता हूँ लेकिन अंदर से एकदम सॉफ्ट। बाद में देखते हैं विजय। अरे छोड़ ना विजय, विजय तूने हमेशा मुझे विलेन समझा है, और इसको अच्छा इंसान, पता है इसने क्या किया है? जिस लड़की से तेरी शादी तय हुई है उसे बीच पे ले जाके उसके साथ आग कर दिया है, सांप को दूध पिला रहा है। सुन विजय, रानी तुम्हारी भांजी है, कसम से पता नहीं था। क्या पता नहीं था, मैं ही तुझे पहली बार बिरयानी की दुकान पे ले गया था। क्या बोल रहा है, खुद ही तो कह रहा था शादीवादी नहीं करना, अब क्यों भड़क रहा है मुझ पर? तो इसके लिए तू उसे फंसाएगा? अरे वो मेरे घर की लड़की। अरे वाह, दूसरी लड़की के लिए अलग और भांजी के लिए अलग एडवाइस, तू ही तो बोला था लड़की मिले तो मीटर डाल के छोड़ देना। अरे तेरी तो हाथ उठाया, इसे बाहर निकाल, ले जा बाहर निकाल, मेरी जान भी चली जाए तो मेरे गैरेज में मत आना, चला जाओ। क्या हुआ दीदी? चंद्रू, दुर्गा पूजा को 2 दिन हो गए मगर पैसा नहीं आया, अब इससे ज्यादा समय में नहीं दे सकता। ए लक्ष्मी, पैसा दे। परेशान क्यों होता है चंदू, पैसे देना और ऑटो ले जाना।
क्यों चंद्रू, फिगर नहीं देखा क्या? एकदम अलग फीलिंग है यार। अरे यार वो क्या फिगर के बारे में सोचेगा, वो तो बेचारा विजय से बहस करके खुद पछता रहा है, ऊपर से तू उसे परेशान कर रहा है। ए, लक्ष्मी चले गई, उसके बाद लड़की जाए चाहे विजय जाए, उससे क्या। देखो भाई चंद्रू, अपनी दुकान पर बैठ के विजय के बारे में गलत मत बोलो। वो नहीं यार, लक्ष्मी को लाने के लिए 15,000 चाहिए, उसके लिए कोई आइडिया बता। तो हमारा काम सीख लेना, 2 साल में धकाधक पैसे कमा लेंगे यार। अरे वाह, कमाने वाले का मुंह तो देखो। चंद्रू पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पास हजारों आइडिया है। आओ भाई बैठो भाई। कैसा चल रहा धंधा? अपना धंधा तो ठीक है भाई, बस आपकी दुआ है। बस अपना चंदू थोड़ा परेशान है, हफ्ता नहीं भरा था ना, इसीलिए वो लोग इसकी गाड़ी ले गए, बहुत दुखी है चंद्रू। तो दुखी होने की क्या बात है, सेठ क्या बेवकूफ है? अपना काम अपुन सही से करे तो वो गाड़ी कैसे लेके जाएगा। ए, चुपचाप साबुन लगा के उस तरह घुमा, मुझे किसी की एडवाइस नहीं चाहिए। चल बे सप्लाई। चलता हूँ विजय भाई। आइडिया नंबर 1, ब्लैक टिकट। 50 का 100, 50 का 100, 50 का 100, 100 का 200, 100 का 200, 50 का 100, 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 50 का 100,
100 का 200 कितना चाहिए बोलो? तुमको भाई ने बुलाया। ए, एरिया में नए हो क्या? टिकट ब्लैक करने का कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है, तुम लोग कौन हो? इसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट? ए, दोबारा यहाँ देखे तो चेहरे पे एसिड डाल दूंगा। ए, यहाँ ब्लैक करें क्या? अरे यार, काउंटर पर ही ब्लैक रेट चल रही है, चल भाग। यहाँ कौन सा आइडिया है यार? आइडिया नंबर 508। विदेशी भिखारी लोग लगते हैं यार। चंदू, तेरी वजह से बोनी नहीं हुई। ए, हेलो, होली स्मोक ट्राई? या श्योर। मैंने कहा था ना, तू मेरा धंधा नहीं सीख सकता। ए, तेरा नाम सप्लाई किसने रखा बे? बेवकूफ। आइडिया नंबर 540। चंद्रू, तुझे कार चलाने आती है क्या? हाँ, एकदम अपने ऑटो जैसा ही तो है। एक सेठ ने तेरी गाड़ी उठाई थी, आज हम इसकी गाड़ी उठाएंगे। ए, अपनी लक्ष्मी के जैसा कलर है ना? एक भी आइडिया सही दिया क्या? सारे के सारे बकवास। सारे आइडिया तो ठीक ही थे, तू ही है टांग दादा, सब काम में टांग अड़ाता है। ए, तेरी दीदी कहाँ है? बाजू की दुकान पे है। हाँ ठीक है, जा। कैसी हो रानी, तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए। क्यों, क्या काम है मुझसे? क्यों ढूंढ रहा था मुझे? ए, छोड़ ना उस बिरयानी वाली को, बोगस फिगर है उसका, मैं तुझे लेकर चलता हूँ। 100 में 100 सारी फिगर वाली जींस वाली, द इंडियन कल्चरल डांस। एक डॉक्टर थे, वो गांव में सबको इंजेक्शन लगाते थे, जब खुद की तबीयत खराब हुई तो सिर्फ दवा खा लिए, क्योंकि दर्द होगा ना। ऐसे ही कुछ लोग गांव को एडवाइस देंगे और खुद एडजस्ट कर लेंगे। ए, चुपचाप चलना, उस लड़की को देखते ही मैं टेंशन में आ गया हूँ। ये लो। बस करो दीदी। खाओ खाओ, फोकट में खाना मिल रहा है, खुश नसीब हो। क्या दीदी, ताना तो मत मारो, मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ ना। कहानियाँ मत सुनाओ, हाथ में पैसे दिए मुझे। अच्छा मैं क्या बोल रही हूँ सुनो, अय्यर जी का ऑटो ड्राइवर गांव गया है, उन्हें 10 दिन के लिए ड्राइवर चाहिए। बाप रे, प्राइवेट ऑटो, मार्केट में नाम खराब हो जाएगा। थू, तेरा नाम लेके मुझे एक सिंगल चाय मिल सकती है? बड़ा आया फील्ड में नाम खराब हो जाएगा, नाम वाला। एक दिन का 250 पगार दे रहे हैं। एक दिन का पगार 250 होगा,
9 बजे से लेके 2 बजे तक रहने का, सुबह आके गाड़ी को चकाचक पोंछ देने का, लेट नहीं आने का और जाने के लिए जल्दी नहीं करने का, चाय कॉफी पीने बाहर नहीं जाने का, गाड़ी में बैठ के सिगरेट बीड़ी नहीं पीने का, मच्छी खा के गाड़ी में नहीं बैठने का और ऐसे कलरफुल कपड़े भी नहीं पहनने का। सबसे जरूरी बात, 25 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड से नहीं चलाने का। अयो ये क्या कर रहा है, कैसा चला रहा है, धीरे धीरे चलने का, समझता क्या है इसको, कार समझता है क्या, ये धीरे चला मेरे को चक्कर आ जाएगा, अरे धीरे धीरे चलाने का, अरे अरे क्या करता है, ए हम तुमको बोला था, पहले ही बोला था गाड़ी तेज नहीं चलाने का, तेज क्यों चला रहा है, ए, किसी की मैयत लेके जा रहा है क्या, साइड से चलना। अरे सुनिए, कह रहा है आपकी मैयत लेके जा रहा है, तुमको अपना मुंह बंद रखने का। ए चंद्रू, ये तेरी कैसी हालत हो गई, तुझे प्राइवेट ऑटो चलाने की जरूरत पड़ गई, पहले ही कहा था अपना धंधा कर। क्या करूं यार, जान आफत में आ गई है। ए, रिक्शा ड्राइवर मिला कि नहीं? सब गली कूचे में ढूंढा, वो कहीं नजर नहीं आया। मैं क्या करूं, कहां कहां नहीं ढूंढा उसे, तीनों टाइम ठूंस कर खाता है लेकिन किसी काम का नहीं है। मैं तो परेशान हो गया हूं, जब भी किसी ऑटो वाले को दिखाता हूं तो सिर्फ मुंडी हिलाकर रह जाता है, फिर हाथ उठाकर ना बोलता है, मैं क्या करूं, मैं तो कोशिश कर रहा हूं ना। अरे 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 छे, अरे मुन्ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, है? वो क्या है ना कि जब हम ढूंढने के लिए जाते हैं तो जो कोई भी दिखाई देता है वो उसी की तरह दिखता है, लेकिन जब पास जाते हैं तो कोई और होता है। बातें बड़ी बड़ी करेगा लेकिन काम नहीं कर सकता। हाँ बोलो अन्ना जी। मेरी बात सुनो सनफगन, आज रात को ही निकलता हूँ, कल सुबह वहाँ आता हूँ। आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं, और कितने दिन लगाएगा तू, तुझसे नहीं होता है तो ना बोलना, मैं विजय से बात करता हूँ। क्या बात करते हैं अन्ना जी, हम दोनों एक ही इलाके के हैं। अरे मैं तो खुद ही उसे ढूंढ रहा हूँ ना, आज नहीं तो कल पकड़ लेंगे। बात तो बहुत चिकनी चुपड़ी करता है लेकिन किसी काम का नहीं है। थू। जाओ जाओ, अच्छी तरह ढूंढो, जाओ जाओ। सरदर्द बन गया है। दीदी, अरे जल्दी से कुछ लेकर आओ, बिरयानी बची है क्या, हा? तुमने खा लिया? कोई बात नहीं, तुम खा लो। अब दीदी बुरा ना मानो तो एक बात कहना चाहता हूँ। ऐसी क्या बात है? इस रानी की शादी विजय से करने की सोच रही हो ना, इसको मैंने किसी ऑटो वाले के साथ बीच पर देखा था। नालायक, यही संस्कार है? और वो लोग ऐसी वैसी हालत में नहीं थे। ऐसा कर्म करके आई है, बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बहुत गलत पोज में थे दोनों। तुझे तो मैं, रुक जाइए, क्या कर रहे हैं? चुप, तू क्या कर रही थी, लड़की पर ध्यान देना चाहिए था ना, डुबा दी, इज्जत डुबा दी। कौन है वो, चाहे कोई भी होगा उससे शादी करा दूंगा। तुझसे पूछ रहा हूं, बोलो रानी, उसे मैं कुछ नहीं करूंगा, बता नहीं तो। जीजा जी क्या हो रहा है, कितनी अकड़ में है, देखो बता नहीं रही है। रानी अंदर जाओ। तुम्हें मैं किस मुंह से बताऊं विजय, तुम इससे शादी करने वाले थे ना, तुम्हें मुंह दिखाने में भी शर्म आ रही है। छोड़ो जीजा जी, सब ठीक हो जाएगा, मैं बात करता हूं। चंद्रू से मैं बात करूं? तुम उसे जानते हो? अपने गैरेज का लड़का है, थोड़ी प्रॉब्लम हुई है लेकिन बात कर सकता हूं। क्या प्रॉब्लम है, मेरी वजह से कुछ हुआ क्या? ऐसा नहीं है लेकिन यह भी एक कारण है। अच्छा लड़का है लेकिन शादी के लिए नहीं मान रहा था, कुछ समझ में नहीं आता उससे शादी नहीं करनी या मुझे ही पसंद नहीं करता।
ए विजय, अब तेरी हार पक्की है। तो ही सन ऑफ गन है क्या? अन्ना जी, अच्छे टाइम पे आए हो, जीत गए हैं हम। ऑटो कहाँ है? पकड़ लेंगे। वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ है? छह, रेस होने वाली है, सब ऑटो यहीं पर है, यहीं पकड़ लेंगे। अपने लड़के सब यहीं घूम रहे हैं, पकड़ लेंगे अन्ना जी। तू किसके बारे में बात कर रहा है? गंजे और टकले, दोनों लड़कों का यही काम है अन्ना जी। वो तो पहले से ही टकला है, उसको काम सौंपा तूने? उससे नहीं हो पाएगा, मैं ढूंढ लेता हूँ। पकड़ लेंगे अन्ना जी, मैं उसे ढूंढ लेता हूँ। ए विजय, पैसा दो, दुकान बंद करने का टाइम हो गया है, पैसा दो। अभी पैसे नहीं है सन ऑफ गन, और रेस लगा लेते। अरे तुमसे रेस लगा लगा के मैं बोर हो चुका हूँ। एक बात कहता हूँ, तुम अच्छे मैकेनिक हो, पर चंदू तुम्हारे साथ ना हो तो तुम बेकार हो। तू क्या बोलना चाहता है? तुझसे मुझे 30,000 लेने हैं। सेठ की दुकान पे तेरा गैरेज गिरवी रखा है, वो मैं ले लेता हूँ। पैसे दे के गैरेज वापस ले लेना, ठीक है? क्या प्राइवेट ऑटो? हाँ, पहले बहुत नाटक करता था, ऐसे चलाएगा, वैसे नचाएगा, सीधा उठा के दिखाएगा, लगता था जैसे तेरे खुद की गाड़ी है। अब देखो, अय्यर मामा उठा के सिर पर दे दिए। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, देख लूंगा, बैठो। देख के, देख के, संभाल के, धीरे धीरे बेटा। अरे समझता क्या, बाइक चला रहा है क्या? काम मिलना इतना मुश्किल है और तू पागलों के जैसे चला रहा है। अरे सीधे चला, सीधा। ये देख के, देख के, ये तो अपनी ही रूट पे आ रहा है। आइयो देख के, देख के, देख के। अरे कैसा चलाता है? बीच रास्ते में छोड़ के जाता है, हम लोग कैसे जाएंगे? चला के जाइए, स्लोली स्लोली। ए कौन हो तुम? उठो उठो उठो। नमस्ते सर। लगता है तुम्हें कहीं देखा है। ऐसा ही सर, पैसे हमेशा हाथ फैलाकर ही मांगना चाहिए। एक बार मांग के देखो ना सर। बड़ा गुरूर है तुम्हें। क्या सर, भीख मांगना सम्मान है, पर उसे छीनना अपमान है। हम लोग ऑटो चला के 5-10 कमाते हैं, उसे भी छीनोगे क्या? ए इज्जत से बात कर। सर पैसा चाहिए या इज्जत? चंद्रू, उस दिन पैसे देते समय पुलिस के साथ नखरा कर रहा था सर, वो पागल चंद्रू इंटरवल के पहले ही मर गया सर। अब क्या चाहिए? सर वो आपका ऑटो चलाना चाहता हूँ। मैं तुझे गाड़ी नहीं दे सकता, जा। सर 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 सर, परिवार के साथ रहता हूँ, थोड़ी तो मेहरबानी करो सर। बहुत मेहरबानी होगी सर। बहुत परेशान लगते हो। ठीक है, डेली का भाड़ा 250 रुपए। ठीक है सर। गाड़ी चलाओ या ना चलाओ, डेली भाड़ा देना पड़ेगा। हाँ, पूरे 250 रुपए। पॉलिटिकल जुलूस, स्कूल का भाड़ा, ये सब नहीं उठाना। ओरिजिनल लाइसेंस देके गाड़ी लेकर जाओ। हाँ थैंक यू सर। गाड़ी का नुकसान हुआ तो उठा के अंदर डाल दूंगा। ए चंदू, चंदू में वापस आ गया। ये हुई ना गर्वी की बात। ए सिटी में नाइट रेस कहां पर चलती बताएगा क्या? ये बात हुई ना।
3 इडली, 4 इडली, 1 डोसा, 1 अंडा डोसा, 레이스 लगाएगा? ₹1000 नहीं, 2000 कहाँ? यहीं। कब? अभी। उस घर में वो लोग बिना बताए घर छोड़कर चले गए हैं। ओ जरा मुंह देखो इसका, कहीं से ड्राइवर नहीं लगता, अनफिट लगता है। बड़ा ड्राइवर बनता है। उसी दिन सोचा था दूसरे की गाड़ी को ठोकता तो पैसे ले सकते थे, पुलिस वाले की गाड़ी को ठोका है, क्या उखाड़ लेंगे? रॉस्कल कहीं का। गाड़ी लेने आते हैं तो शरीफ बन के, फिर गाड़ी ऐसे चलाते हैं जैसे लॉरी चला रहे हो। ये कैसी शर्ट है, है? गाड़ी ठोकी है, पैसा कौन देगा? तेरा बाप देगा? इंश्योरेंस है ना सर। अबे मेरे सामने जुबान लड़ाता है, सीधे गाड़ी नहीं चला सकता है? अरे यार, मत मारिए साहब, छोटा बच्चा है, अनजाने में हो गया, माफ कर दीजिए। छोटा बच्चा है? छोटा बच्चा? ये छोटा बच्चा है? ये छोटा बच्चा लगता है? छोटा बच्चा है? दीदी तुम घर जाओ। हाँ महाराज ने बोल दिया, जाओ। तू चुप रे। सर मेरे पास पैसे नहीं है, कहीं से कर्जा वर्जा लेके पैसे जमा करवा दूंगी। पैसे दे देगी? तू कहीं की महारानी है? पहले यहाँ से निकल, यहाँ तेरा हुक्म नहीं चलेगा। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऑटो चलाता है ना, आज से साइकिल भी नहीं चला पाएगा। क्या वशीला, यहाँ कैसे? विजय चंदू को पकड़ कर ले गए हैं,
तुम भी उसे बाहर निकाल सकते हो। क्यों अंदर डाला उसे, मुझे साफ साफ बताओ। क्या हुआ मुझे भी नहीं पता, क्यों उसे पकड़ कर ले गए कुछ नहीं जानती, पता नहीं किस साल में होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, उसने क्या खून किया है मुझे क्या पता। विजय तुम उसके फ्रेंड हो, मेरे साथ चलो ना। ठीक है तुम जाओ, मैं चंद्रू को लेकर आता हूं। बोल रहा हूं ना, जाओ। नमस्ते सर। आओ विजय, पुलिस स्टेशन में कैसे? वो क्या है सर कि चंद्रू अपना फ्रेंड है। ए, कितनी बार आओगे तुम, वो तुम्हारा फ्रेंड है तो कुछ भी करेगा, पता है उसने क्या किया? सर गलत है, बहुत गलत है। तो उसके लिए क्या उसे बाहर नहीं निकालेंगे? हाँ भाई, लाइसेंस नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, दारू पी के गाड़ी चलाता है, ऐसे कई केस डालकर हमेशा के लिए अंदर कर दूंगा। अरे बापरे, ऐसा कुछ मत करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो और मेरी गाड़ी का नुकसान कौन भरेगा? मैं बना के दूंगा सर, मैं अपनी गैरेज में ठीक कर दूंगा। एक रुपया भी नहीं दूंगा। ओके सर। इसका लाइसेंस नहीं दूंगा। कोई बात नहीं सर। कांस्टेबल, इसे बाहर निकालो। बहुत धन्यवाद सर, गाड़ी कल सुबह लड़के को भेज के मंगा लूंगा। चलता हूं सर। थैंक्स सर। विजय, लड़कों ने गैरेज नहीं खोला है, दरअसल मेरा यूनिफॉर्म अंदर रह गया है, निकाल लूँ क्या? वो ऑनर को पूछना होगा। ऑनर? क्या हो गया विजय? वो जो 15,000 का रेस लगाए थे ना, जो तूने शुरुआत की थी, आज तक हारते ही आ रहा हूं, वो सब भूल गया मैं। ठीक है, अब क्या करोगे? पता नहीं। पता नहीं बोलने से कैसे चलेगा, तू क्या पढ़ लिख के कलेक्टर बनने वाला है? देख विजय, मछली को तैरना आता है, चिड़िया को उड़ना आता है, तुझे मैकेनिक का काम आता है, मुझे रेस लगाना आता है, जिसको जो आता है वही करना चाहिए ना। अब और रेस लगाने को कह रहा है? ये युद्ध के जैसा ही है, रेस में हारे हैं और रेस में ही जीतेंगे। ओ, तो ये अभी तक तुम्हारे पास है, इसे कैसे छोड़ दूं? क्या बात है यार, चांद सूरज दोनों साथ में आए हैं, क्या बात है, ऑटो सर्विस करनी है क्या? एसओ जी, एक रेस लगाते हैं। सुन लो भाइयों, चंद्रू भाई आ गए हैं, अब रेस लगानी है। कौन सी रेस? दारू की? सन ऑफ गन। पूरी बात सुनो विजय, मैं बोलता हूँ तू सुन। तेरी जितनी भी जायदाद थी वो चंद्रू के थ्रू मैंने छीन ली, जिससे तेरी शादी होने वाली थी उसे चंद्रू ने छीन लिया, अब तेरे पास बचा ही क्या है, तेरा बाल, वो तो खुद उखाड़ ले। ए, इतने सार रेस जीता वो छोड़, अभी तू जीत के दिखा, मैं तुझे बड़ा आदमी मान लूंगा। हम लोग दिखाएंगे और ये करेगा, ये सब नहीं होगा, मुझे टीवी देखनी है। अपनी ऑटो तो देखते ही देखते बदल गई। अरे यही तो चिता है, हाँ? विजय वाली 130 तक जाएगी। इतना हुनर होने के बाद भी हमने उसको जाने दिया, जाओ उसको वापस लेकर आओ, जाओ।
क्यों सनाफगन, बुलाया क्या? फालतू में बिल्डअप मत कर, रेस लगा। शर्त क्या है? और क्या लगाएगा, जीता। तुम लोगों के पास हारने के लिए और क्या है? ए डाबर, तू हारेगा तो क्या देगा पहले ये बता। शेर तो फिर भी शेर ही होता है। सवा शेर भी होता है, बकवास बंद कर और शर्त बता। क्या बोलते हो, शर्त में एक ऑटो लगाओगे? चीते के सामने रखना है तो रॉकेट रखना पड़ेगा। चीता के बारे में मालूम है ना? 130 टॉप स्पीड। चीता के बारे में पूरा गांव जानता है, लेकिन सबके पास वो बाहर की नजर नहीं है। ठीक है भाई, चलो तुम्हारी शर्त क्या है बताओ तो। विजय का गैरेज और 30,000 कैश। भाई हा? ये कुछ ज्यादा है, कुछ कम करने को कहो। कुछ ज्यादा तो नहीं होता। अगर हमें विजय को बर्बाद करना है तो उसे सब कुछ छीनना होगा। उसी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। नहीं भाई, भूत की तरह भागता है और चीता 130 की स्पीड से। ए, तू मेरा गेम देखता जा। हाँ, मुझे मंजूर है। रेस कब है? अगले महीने की 4 तारीख को। विजय, ऑल द बेस्ट विजय। बाय द वे, कौन सी गाड़ी चलाओगे? चीता। आप लोग तोड़ के देंगे और हम लोग ले लेंगे। शर्त की गाड़ी नहीं चलाते, पता है क्या? ये सब क्या हो गया? छोड़ ना विजय, मेरे पास एक प्लान है। अच्छा लगे तो बोल। मेरे पास 12,000 रुपए हैं। 3,000 मिला के हम सेठ से अपनी लक्ष्मी छुड़ा सकते हैं। उसके बाद फिर एसओ जी का शंख बजाएंगे, क्या बोलता है? 3 तो मैं कर सकता हूँ। हेलो हेलो हेलो। हमारी ऑटो बहुत इंग्लिश पढ़ चुकी, हम उसे लेने आए। अरे रे रे, वो तो सनाफ गन लेकर गया। ए, किसको पूछ के सनाफ गन को दिया? क्या चंदर, कितनी बार तुझे खबर भिजवाई, तू एक बार भी नहीं आया, तो ऑटो बेच डाली। मुझे क्या है, जो भी पैसे देगा उसे गाड़ी दे दूंगा। तेरे पास पैसा नहीं था तो आके कहना तो चाहिए था। हमारा थोड़ा वेट करना चाहिए था। हम लोग उसकी धोती खोलना चाह रहे थे, वो हमारा अंडरवियर ले उड़ा। तो अब क्या करेंगे? क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ए, मुंह छिपाकर भागने को कह रहा है। हमें रेस के लिए गाड़ी की जरूरत है। सप्लाई, तू अपनी गाड़ी दे सकता है क्या? ले लो ना विजय, लेकिन मेरी गाड़ी की कंडीशन पता है ना? इसकी गाड़ी तो पिछले जन्म के पुण्य से चल रही है, उसमें क्या रेस करेंगे यार, बेकार है इसकी गाड़ी। ए, अरे अच्छी ऑटो से तो कोई भी जीत सकता है। उसके लिए तेरी भी जरूरत नहीं, मेरी भी जरूरत नहीं। एक खटारा गाड़ी को मैं रेस की गाड़ी बनाऊंगा, तुझे उसे चला के जीतना होगा। तेरे दार खड़ा एक जोगी, झिंझिका झिंझिका झिक्का। अरे अपना गाना बंद करो भाई। बगल में दो इंसान है जो बहुत ही मेहनत और लगन से ऑटो का काम कर रहे हैं, वहां जाकर अपना नाच दिखाओ। झिंझिका झिकचका झिंगा, जाओ भाई। विजय, तुम्हारी होने वाली पत्नी के बारे में पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन अरे मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था। घर वाले बोले शादी कर लो, हाँ के लिए सिर हिला दिया, बस इतना ही। मैं रानी को देखना चाहता हूं, कहां है वो? मैं तुझे याद हूं ना, मुंबई शहर में घूम घूम के जिस बच्चे पर हाथ डाला था वो बच्चा मैं ही हूं। रानी, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं, ये कहूंगा तो तुम यकीन नहीं करोगी, ये बात समझ गया हूँ। रानी, बिरयानी में कुछ तो है, लव है। मैं तुम्हें 3 महीने से भूल नहीं पाया हूँ, मुझे बेवकूफ मत बनाना, मेरा हाथ मत छोड़ा, प्लीज 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 रानी, प्लीज रानी प्लीज। यही वो लड़का है क्या? अब जाकर मेरी याद आई, अभी भी बिरयानी खाने के लिए आया हूँ। हम लोग शादी कर ले। <प्रेक्ट। laughs>
अरे वाह क्या गाड़ी है, सरी गाया इसका। रेस नहीं ले रही गाड़ी। अभी रेस लूँ क्या? तू आगे देख चंद्रू। ओके विजय। ओके है ओके। मैं ठीक कर रहा हूँ। Yeah.
सॉरी चंद्रू, मैंने बराबर से सेट नहीं किया था। नहीं विजय, मैं ही ठीक से चला नहीं पाया। दरअसल वो जंप नहीं लेना चाहिए था, वही गलती हो गई। जंप नहीं लेते तो हार जाते। जंप लेकर भी तो हार गए ना। छोड़ ना यार। ए साथियों, दोनों गाड़ियों को फिनाइल डाल के एकदम अच्छी तरह साफ करेंगे। अरे चंद्रू, तेरी शर्ट यहाँ है, तेरी लकी शर्ट। इसी शर्ट को तो ढूंढ रहा था, ये बहुत लकी शर्ट है, इसे पहना होता तो जरूर जीत जाता। अरे बाप रे, क्या बात कर रहे थे, शर्ट गाड़ी चलाता है क्या? ए, रुक। सेठ से झूठ बोलते हैं कि ये नीलम है, देखते हैं चाय कटिंग का झोल होता है कि नहीं। चल। कहाँ है वो गोली, तेरा सत्यानाश हो। अरे, इन कंगालों की लॉटरी लग गई है क्या? हम लोग उस तरफ चल के ढूंढे। Shambo, 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 Shambo